ओके सुचिता, आपका सिलोक्स में है ना, सर ने आपको बताया होगा कि हमारे पास कुछ टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, राइट? वो कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं अगर हम बात करें तो? पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। और नेगेटिव, और मेनली पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो ऑल ए आर बी, एक ये रहता है सेंटेंस। नेक्स्ट वन रहता है हमारे पास सम ए आर बी। सम ए आर बी, राइट? दीज आर पॉजिटिव सेंटेंसेस, राइट? हाँ जी। एंड नेगेटिव सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं हमारे पास? नो ए इज बी। ओके, हाँ एक ही भी होता है सम ए आर नॉट बी एंड नो एज बी। नो ए बी। एंड एक सेंटेंस और होता है सुचिता, जिसका एग्जामिनर काफी टाइम यूज कर लेते हैं, वो होता है आपका ओनली ए आर बी। अच्छा ओके, इसको हम कंसिडर करते हैं एज अ ऑल। ओके, जो हाँ, जो ओनली वाला सेंटेंस है उसको कंसिडर हम करेंगे एज अ ऑल के, लेकिन हमारा जो सेकंड वेरिएबल है वो फर्स्ट वेरिएबल बन जाएगा और जो फर्स्ट वेरिएबल है वो सेकंड वेरिएबल बन जाएगा, राइट? तो हमारा जो ओनली ए आर बी का मतलब क्या होता है? ऑल बी आर ए। अच्छा तो ठीक है। बाकी आपको इनके कौन कौन से डायग्राम्स बनते हैं, ये कितने तरीके के डायग्राम होते हैं, वो सब तो आपको मालूम होगा। हाँ सर, करीब सर 9 केसेस सर ने बताए थे और 9 के डायग्राम भी बनवाए थे। हाँ ओके, अभी हम लोग एक बार है ना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? सर। तो अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे पास जो सबसे पहला सेंटेंसेस हमने बात की थी वो कौन सा सेंटेंसेस था? ऑल ए आर बी, राइट? हाँ जी। तो सुचिता, इसमें दो केसेस बनते हैं हमारे। दो केसेस कौन से बनते हैं? देखिए, अभी मैं आपको है ना स्टार्टिंग से ही, अभी अभी स्टार्टिंग से मैं क्या करूंगा आपको, पॉसिबिलिटी का केस और सर्टेनिटी का केस, इन दोनों के केसेस में मैं डिफरेंस बताता रहूंगा। ओके सर। सुचिता, हमारे इसमें बनते हैं ओल ए आर बी में दो केसेस, दो तरीके के डायग्राम। एक तो हमारा ये डायग्राम बनता है, और सेकेंड वन कौन सा डायग्राम बनता है हमारा? दैट वन, इसी में ए इक्वल टू बी। राइट? दैट वन, दीज आर टू टाइप्स ऑफ डायग्राम। ओके, तो सुचिता आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो कंक्लूजन है वो आपका सर्टेनिटी वाला है या पॉसिबिलिटी वाला है? दो टाइप के कंक्लूजन होते हैं, राइट? कितने दो टाइप के कंक्लूजन आते हैं? अभी मेनली जो कंक्लूजन पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में वो टू टाइप्स के कंक्लूजन पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज सर्टेनिटी एंड सेकेंड वन इज पॉसिबिलिटी केसेस। तो आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सा पॉसिबिलिटी का केस है और कौन सा सर्टेनिटी का केस सर है? इसमें लीस्ट टचेबल मेथड का यूज करते हैं। ओके, अभी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे हमारा अगर इसके ऊपर मैं आपसे केसेस पूछना चाहूँ तो एक सिर्फ एक सेंटेंस, ये हमारे पास स्टेटमेंट है मान लीजिए ऑल ए आर बी, राइट? अभी इसके ऊपर कुछ कंक्लूजन ट्राई करते हैं हम लोग। ओके, कंक्लूजन हमारा जो पहला कंक्लूजन इन्होंने पूछा है, मान लीजिए ये इन्होंने कंक्लूजन पूछ लिया ऑल बी आर ए, इज इट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग रॉन्ग, नहीं। हाँ दूसरे डायग्राम के अकॉर्डिंग राइट होगा। ओके। तो सुचिता, मैं आपको यही बता रहा था, ये जो केस है ना ऑल बी आर ए, ये केस है हमारा सर्टेनिटी का। अच्छा ये सर्टेन, क्योंकि ये डायरेक्ट बोल रहा है कि सभी बी जो है वो हमारे ए हैं, इसमें कोई संभावना नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट? अच्छा तो जो भी हमारा सर्टेनिटी का केस होगा वो हमारे जितने भी पॉसिबल डायग्राम बनते हैं ना सभी के अंदर ट्रू होगा, तो वो ट्रू होगा वरना वो फॉल्स हो जाएगा। अच्छा ओके। लाइक एज ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए मेरा अकॉर्डिंग टू यू सेकंड डायग्राम में तो ये चीज ट्रू है, राइट? बट हमारा फर्स्ट डायग्राम में ये चीज ट्रू नहीं हो रही है ना, नहीं। तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अभी इसी केस को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं, ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, मान लीजिए ये केस है, देन अब ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ये ट्रू होगा। अब ये ट्रू होगा, बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? चाहे 1% की संभावना हो, संभावना होनी चाहिए, राइट? हाँ तो हमारा ये सेकंड केस में तो पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है ना, संभावना। हाँ
तो सुचिता यहाँ पे एक छोटा सा कंक्लूजन ये करना चाहूंगा मैं कि आपको सर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी दो अलग अलग एग्जांपल्स हैं, दो अलग अलग आपके क्या आते हैं कंक्लूजन आते हैं। जो हमारा ये फर्स्ट कंक्लूजन था ये सर्टेन का था और सेकंड कंक्लूजन हमारा पॉसिबिलिटीज का था, राइट? ठीक है, तो ये दोनों पहले पहला आपका काम क्या होगा, आपको ये पहचानना होगा कि ये पॉसिबिलिटी का केस है और सर्टेनिटी का केस है, किस चीज का केस है। उसके बाद अगर सर्टेनिटी का केस है तो आपके जितने भी पॉसिबल डायग्राम्स उस चीज के बनेंगे, उस क्वेश्चन के जितने भी पॉसिबल वेन डायग्राम्स बनेंगे वो सभी के सभी में ट्रू होना चाहिए, तो वो सर्टेनिटी का ट्रू होगा। और पॉसिबिलिटी के केस में क्या होगा, अगर किसी भी एक डायग्राम में ट्रू है तो उसको हम ट्रू मान लेंगे। गॉट इट? ओके सर, यस सर। सुचिता अब मैं आपको कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स बताऊंगा जिसके थ्रू आपको ये पता लगेगा कि कंक्लूजन सर्टेनिटी का है या पॉसिबिलिटी का है। ओके, ओके सर। तो एक साइड हम पॉसिबिलिटी के लिखते हैं। सर हाँ यस, सर एक सेकंड सर। श्योर श्योर श्योर। हेलो, हाँ मुझे कल पे देर में थे मम्मी ऑनलाइन पूछे चलिए हमें क्लास शुरू करा लेता है रख। हेलो, यस सर। साइड में लिखूंगा वो वाले जो पॉसिबिलिटी के केस को आपको दर्शाएंगे, इन कीवर्ड्स के थ्रू आपको मालूम पड़ेगा कि ये पॉसिबिलिटी के केसेस हैं। एंड राइट साइड में लिखूंगा कौन से जो सर्टेनिटी के केस को ओके शो करेंगे। अगर आपके पास जो कंक्लूजन है उसके अंदर मे बी या फिर मे नॉट बी ये केसेस आ जाए, ये कीवर्ड्स आ जाए, तो वो कौन सा केस होगा, पॉसिबिलिटी का। ओके, अगर आपके पास कंक्लूजन में कहीं पे कैन भी लिखा हुआ आ जाए तो कौन सा केस होगा, वो कैन बी पॉसिबिलिटी का। पॉसिबिलिटी का। यस, अगर आपके पास कीवर्ड्स माइट भी आ जाए, माइट भी, तो भी वो कौन सा होगा, पॉसिबिलिटी का। यदि आपके पास कंक्लूजन के अंदर सेंटेंस के अंदर कंक्लूजन के सेंटेंस के अंदर कुड भी आ जाए तो भी वो कौन सा केस होगा, पॉसिबिलिटी का। या फिर डायरेक्टली लिखा हुआ हो बीइंग आ पॉसिबल, बीइंग आ पॉसिबल। ओके, एंड ओके सर। लास्ट वन ये हमारा है जो इफ या सपोज से जो भी हमारा सेंटेंस शुरू होगा वो हमारा किस में चला जाएगा, आपका जो सेंटेंस जाएगा वो किस चीज में चला जाएगा, यहाँ से आपके कंडीशनल में, जो कंडीशनल आपकी सिलोक्स होते हैं उसके अंदर चला जाएगा, राइट? इन कीवर्ड्स को आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि ठीक है सर। आपको पता रहे कि कौन सा केस कहाँ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ऐसा रुक रुक के क्यों चल रही है पेन पे। नेक्स्ट वन आपकी अगर हम बात करें तो जो सर्टेनिटी के केस में उसमें इज एम आर। ओके, अगर इन वर्ड्स का यूज किया है तो वो कौन से केस है, सर्टेन के, सर्टेनिटी के। कंक्लूजन सर ये इज एम आर कंक्लूजन में यूज्ड है तो में, यस, ये मैं कंक्लूजन के लिए ही लिख रहा हूं, आप कंक्लूजन को ही तो पता करोगे कि वो पॉसिबिलिटी है या नहीं। अच्छा ठीक है, सो ये दीज आर ओनली फॉर कंक्लूजन्स ओनली। ओके, ठीक है। सेम वे में नॉट और नो, अगर ये कीवर्ड्स हमारे कंक्लूजन में है तो हम क्या मानेंगे, वो किस चीज का केस है, सर्टेन का। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कैन नॉट बी। ओके, नेक्स्ट इज नेवर। नेसेसरी, मस्ट बी एंड विल बी। ओके, अगर हमारे ये सभी कीवर्ड्स हैं जिसपे मैं राउंड कर रहा हूं अभी,
अगर ये सभी कीवर्ड्स हैं तो वो किस चीज के लिए है, आपके सर्टेन के केसेस के लिए, और ये आपके पॉसिबिलिटी के केसेस के लिए जो अब राउंड कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट सुचिता, अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और उनको करने की कोशिश करते हैं। आपको ये तो पता है ना किसके कितने डायग्राम बनते हैं, लाइक चलो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। ऑल के मैंने बता दिया, दो डायग्राम बनते हैं, हाँ ठीक है। नेक्स्ट आपका सम ए आर बी, राइट, इसके तीन बनते हैं। इसके एक्चुअली सुचिता चार बनते हैं, दैट वन ए एंड बी, सम ए आर बी इस एरिया को शो करता भी है, कुछ ये मेरे जो भी हैं, राइट। यस सर। सेकंड वन सुचिता इसका बनता है दैट वन, इसके अंदर किस एरिया को शो हो रहा है, ये पूरा एरिया जो कि मेरा बी है, ठीक है। नेक्स्ट वन मेरा जो इसमें डायग्राम बनता है वो बनता है ये वाला, ओके, ओके इसके अंदर ये शो होता है, और जो नेक्स्ट वन डायग्राम बनता है हमारा वो बनता है ये वाला, ओके। तो सर। हमारे टोटल कितने डायग्राम बनते हैं इसमें, चार। चार। नेक्स्ट सुचिता हमारे पास जो स्टेटमेंट आती है वो आती है सम ए आर नॉट बी, ओके। सम ए आर नॉट बी में सुचिता मैं इसलिए फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि आपका ये पहले हो चुका है, हाँ सर, ठीक है। बिल्कुल। सम ए आर नॉट बी में सुचिता ये होता है, एक तो ए बी, राइट। अभी हम इस सेंटेंस में हम इस पोर्शन को फॉलो कर रहे हैं, राइट, ये वाला पार्ट हमारा जो बी नहीं है। बट सुचिता आपने चेक किया कि सम ए आर बी का भी डायग्राम हमारा ऐसा बनता है, हाँ और सम ए आर नॉट बी का भी डायग्राम सेम ही बन रही है दोनों, बट एरिया अलग अलग है, राइट। एरिया सम ए आर बी में, सम ए आर बी में हम लोग इस एरिया को डिनोट करते हैं, और सम ए आर नॉट बी में हम इस एरिया को डिनोट कर रहे हैं, यस ओके। बट सुचिता इन द एग्जामिनेशन रूम, आप एग्जामिनेशन में क्या होता है हम लोगों को कि भूल जाते हैं हम लोग कि ये मेरा एक, क्योंकि वहां पे तो तीन चार डायग्राम होंगे हमारे पास, राइट। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि एक्चुअली ये डायग्राम हमने किस चीज का बनाया था, सम ए आर नॉट बी का बनाया था या सम ए आर बी का बनाया था, राइट। तो उस चीज को याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, इस डायग्राम को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दीज आर ए, दीज आर बी, एंड दिस एरिया ऑफ ए इज नॉट बी, ओके। अब यस सर। आपको क्या रहेगा, थोड़ा सा आपको अलग अलग से डिफाइन रहेगा कि इन एग्जामिनेशन हॉल में आप पजल नहीं हो गए कि ये मेरा सम ए आर बी का डायग्राम है या सम ए आर नॉट बी का डायग्राम है। जब आप ऐसा डायग्राम बनाओगे तो डेफिनेटली ये सम ए आर नॉट बी का डायग्राम है, ओके। ओके सर। और इसका कहने का मतलब ये है कि जो मेरा डार्क एरिया है ना, जो मेरा शेडेड एरिया है, वो एरिया मेरा बी नहीं है, नहीं है। यस सर। ओके। सेकंड वन इसका जो डायग्राम बनता है सुचिता वो कौन सा बनता है, दिस वन, We are not being. यस, बिकॉज ऑफ, यस सर ये तो ऑल ए आर बी का नहीं, नहीं, ये ऑल बी आ रहे ऑल हुआ। बी आर बी, लेकिन ऑल बी आर लेकिन सुचिता हमें सेंटेंस में क्या बोला गया है, सम ए आर नॉट बी, हमें अभी जो भी डायग्राम यूज करने हैं वो ऐसे करने हैं जिसके अंदर मेरा कुछ ना कुछ एक पार्ट बी में ना हो। यस सर। तो अभी अगर मैं बात करूं तो जो एरिया मैं शेडेड कर रहा हूं क्या वो पार्ट बी का है, नहीं। तो फिर सम ए आर नॉट बी राइट है ना, यस सर। हाँ, तो इसलिए हम इस डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं। सुचिता जो ये मैं राउंड अभी सर्किल कर रहा हूँ ये दोनों हमारा एक ही डायग्राम है, सेकेंड वन हमारा ये डायग्राम हो गया जो मैंने अभी बनाया था। थर्ड वन डायग्राम हमारा इसमें बनता है ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है, राइट, ओके सर। यानी नो ए इज बी। जब सुचिता हमारा कोई भी ए बी नहीं होगा तो सम नोट वाला भी तो पॉसिबिलिटी राइट रहेगी ना, सम नोट वाला भी यस तो सर। सही रहेगा। तो यस सर। हमारे सम या नोट बी के हमारे ये तीन डायग्राम बनते हैं, ओके। ओके सर। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या सेंटेंस होता है सुचिता, नो इज बी। नो एज भी, इसका एक ही डायग्राम बनता सुनीता सुचिता कि कोई भी है हमारे पास बी नहीं है, राइट। ओके। हाँ, तो ये हमारा डायग्राम बनता है, ओके। यस सर। चलिए
तो अब हमको क्या करना है, अब हमने देखा कि हमारे ना एक ही केस के हमारे चार डायग्राम भी बनते हैं, तीन भी बनते हैं, दो भी बनते हैं, ओके। तो हम लोगों को अब कैसे काम कैसे करना, हमें वर्कआउट कैसे करना, कैसे क्वेश्चंस पे काम करना है। तो एक्चुअली हम लोगों को सोची था क्या करना होता है, हम लोगों को जो पहला डायग्राम बनाया था ना हम लोगों ने, हर एक सेंटेंस का जो फर्स्ट डायग्राम बनाया था वो हमारा मेन डायग्राम था, राइट। ओके सर, उसको तो हमें बनाना है, और जो बाकी डायग्राम्स हमारे बने थे उसको हम लोग क्या करेंगे, माइंड में रखेंगे, ओके सर, ओके। तो उनके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, ये केस को देखेंगे कि ये पॉसिबिलिटी का केस सही हो सकता है या नहीं हो सकता है, ओके। नाउ वी आर टेकिंग एग्जांपल्स, ओके, कुछ एग्जांपल्स उठाएंगे जिसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं और कैसे नहीं होते। तो आज सुचिता हमारे पास मतलब अप्रोक्सीमेटली टाइम है, तो हम कोशिश करेंगे कि पॉसिबिलिटी का केस भी कवर कर पाए और इसका जो रिवर्स है वो भी कवर कर पाए, यस सर, ओके। तो ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस लिखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। एट पर दी आपका, आप बोल रहे थे कि बेस तो आपका हो ही चुका है, तो आपको थोड़ा हायर लेवल का करना है, हाँ सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपकी कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, ठीक है, मैं स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ी सी हायर लेवल की हैं, ओके। स्टेटमेंट फर्स्ट है, सम सम डॉग्स आर बार्क। सेकंड वन स्टेटमेंट है, ऑल डॉग्स आर बाइट, ओके। एंड थर्ड वन है, ऑल लाइन आर, ऑल लाइंस आर बाइट, ओके। सर सेकंड वन, थर्ड वन स्टेटमेंट है, दोज एनिमल्स हू बार्क आर नॉट डेंजरस, आर नॉट डेंजरस। दीज आर स्टेटमेंट्स, ओके सुचिता। ओके सर, नाउ कंक्लूजन आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, जो कंक्लूजन फर्स्ट है वो कंक्लूजन दे रखा है, इवन दोस। ये आई थिंक फर्स्ट टाइम आप ऐसे, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप फर्स्ट टाइम ऐसे कंक्लूजन देख रही होंगी जो मैं लिख रहा हूँ अभी। यस सर, सुचेता ये हायर टू हायर लेवल है, इससे हाई लेवल का आपका नहीं आएगा, ओके। इवन दोस डॉग्स हु डू नॉट बार्क बाइट, सेकंड वन है, दोस डॉग्स हु डू नॉट बार्क, डू नॉट बाइट, ओके। दोस डॉग्स हु डू नॉट बार्क, डू नॉट बाइट, और डू सर, नॉट बाइट की जगह ये है नेसेसरली बाइट। थर्ड कंक्लूजन जो आपका इसमें पूछा गया है वो कंक्लूजन पूछा गया है, ऑल दोज डॉग्स, ऑल दोज डॉग्स विच आर ऑफ वाइट कलर बाइट। आप सुचिता बताइए कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा और कौन सा फॉलो नहीं करेगा।
दिस इज अ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन सिलोक्स अब आपके सामने लिखे हुए हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे क्या लिखा है तो आप पूछ सकते हैं, एक बार आप कोशिश करिए। ओके ओके सर, देन फिर वी विल डिस्कस मोर। तो सुचिता बताइए क्या रहा आपका कुछ? सर कंक्लूजन 1 ट्रू होगा। ओके आप कह रहे हैं कि ये ट्रू होगा। ओके नेक्स्ट सर, सेकंड सेकंड ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है सर। ओके सर थर्ड भी ट्रू नहीं है। ये भी ट्रू नहीं है, लेट्स चेक करें। हाँ सर। आपने ये कंक्लूजन लिख रखे हैं? यस सर। राइट डाउन कर लिया ना स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन? यस सर। कैन आई रब इट? यस सर। तो आपने जो फर्स्ट बताया था वो ट्रू बताया था और बाकी दोनों रॉन्ग बताए हैं। ओके यस सर। अब चेक आउट करते हैं, ठीक है। हमारे पास पहली स्टेटमेंट क्या थी सुचिता? ऑल डॉग्स आर बाइट। सम डॉग्स आर बार्क। ओके सम डॉग्स आर बार्क। तो ये बना सकता हूं मैं? यस सर। एंड ये सुचिता? यस सर। उसके बाद क्या कहा गया है? ऑल डॉग्स आर वाइट। यस सर। ऑल डॉग्स आर वाइट, राइट? हां सर। नेक्स्ट क्या बोला है? ऑल लायंस आर वाइट। तो लायंस कहीं पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी, कहीं पे भी आ सकता है लायंस, बट लायंस के अंदर आएगा, वाइट के अंदर आएगा, राइट? हम्म। तो कुछ भी ऐसे आ सकता है यहां पे भी। हां सर। तो ये हमारा लायंस हो गया। ओके नेक्स्ट पूछा, दोज एनिमल्स हु बार्क आर नॉट डेंजरस। मतलब जो भी एनिमल है वो बार्क जो भी भोंकते हैं वो हमारे क्या है, डेंजरस नहीं है, ठीक है। सो दीज एनिमल्स आर नॉट डेंजरस। यही बनेगा इसका फिगर? यस सर। ओके नाउ कम ऑन द कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन कह रहा है इवन दोज डॉग्स हु डू नॉट बार्क बाइट। ये कह रहे हैं जो डॉग भौंकते नहीं है वो काटते हैं। तो एक्चुअली कुत्ते तो सारे ही काटते हैं, ऑल डॉग्स आर बाइट ना। हां तो फिर चाहे वो भौंकते हैं या नहीं भौंकते हैं कोई लेना देना नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट कंक्लूजन आपने बिल्कुल सही बताया था, क्या है, ट्रू। ओके सेकंड कंक्लूजन ये बोल रहे हैं दोज डॉग्स हु डू नॉट बार्क डू नॉट नेसेसरली बाइट। ओके यस सर। ये कह रहे हैं जो कुत्ते भौंकते नहीं है वो ये भी है डू नॉट नेसेसरली बाइट, ये नेसेसरी नहीं है कि वो बाइट करें, बट बाइट yes, वो करेंगे क्योंकि ऑल डॉग्स आर बाइट, राइट? हां यस सर। ये आपने बिल्कुल सही बताया था, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके सेकंड कंक्लूजन। ओके सर। थर्ड कंक्लूजन की बात करें तो थर्ड कंक्लूजन हमें पूछा गया है, क्या पूछा गया, ऑल दोस डॉग्स व्हिच आर ऑफ वाइट कलर आर बाइट। अभी एक बार बताओ जितने भी हमारे डॉग्स हैं सारे काटते हैं, सारे बाइट करते हैं? बिकॉज़ ऑल डॉग्स आर बाइट ना। तो हमारे जितने भी कुत्ते होंगे सारे काटेंगे? ऑल हां ऑल डॉग्स आर बाइट मींस ऑल डॉग्स आर बाइट। यस सर। सो इफ डॉग्स आर, कोई भी कलर का डॉग्स हो, चाहे वाइट कलर का डॉग हो, चाहे ब्लैक कलर का डॉग हो, चाहे ब्राउन कलर का डॉग हो, चाहे पिंक कलर का डॉग हो, वो काटेगा जरूर? यस
सर, तो फिर यही तो इन्होंने बोला है, ये ट्रू है। तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड वन इज ट्रू। ओके यस सर। सुचिता अब आपको समझ में आया कैसे करना है? हाँ सर। ठीक है, और आगे करें और हाँ सर। ले। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी दे रखी है वो दे रखी है ऑल अपार्टमेंट आपको राइटिंग समझ में आ रही है? ना सर, समझ आ रहा है। नो थर्ड इज बिल्डिंग। ओके नेक्स्ट वन इज ऑल बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स आर कॉटेजेस। ओके दीज आर स्टेटमेंट्स। नाउ कंक्लूजन जो दिया गया है आपको, फर्स्ट कंक्लूजन दिया गया है नो कॉटेज इज एन अपार्टमेंट। सेकंड आपको दिया गया है सम कॉटेज अपार्टमेंट। अच्छा आपको आइदर और के केस के बारे में बताया सर ने? नहीं सर। ओके वो भी डिस्कस करना पड़ेगा आपके साथ। चलो ठीक है अभी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा कोई स्टेटमेंट बना तो मैं आपको बता दूंगा आइदर और का केस कैसे फाइंड आउट करना है। ओके सर। नो अपार्टमेंट इज अ कॉटेज एंड नेक्स्ट वन इज सम बिल्डिंग बीइंग अपार्टमेंट। इज अ पॉसिबिलिटी ओके सुचिता कोशिश करिए कि कौन सा ट्रू होगा और कौन सा फॉल्स होगा। ओके सर। हो गया। ओके ओके टेल मी कौन सा सही रहेगा और कौन सा फॉलो नहीं करेगा। सर सेकंड कंक्लूजन ट्रू है। ओके और बाकी तीनों रॉन्ग। हां रॉन्ग है। चलो चेक करते हैं। ऑल अपार्टमेंट आर हर्ट्स। ऑल अपार्टमेंट्स आर हर्ट्स राइट। यस सर। नो हर्ट इज नो हर्ट
हर्ट इज अ बिल्डिंग, कोई भी हर्ट हमारी क्या नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, राइट? ऐसा बन जाएगा डायग्राम, ऑल बिल्डिंग आर कॉटेजेस, ऑल बिल्डिंग आर कॉटेजेस, राइट? ये हमारा डायग्राम, नो कॉटेज इज एन अपार्टमेंट, ये कह रहा है हमारा कोई भी कॉटेज अपार्टमेंट नहीं है। सुचिता, मैं ये कह रहा था कि इसका एक डायग्राम ये नहीं बन सकता क्या? इसका एक डायग्राम ये नहीं बन सकता क्या सुचिता, कि ऑल इसको हम पूरे के पूरे को कॉटेजेस ले लें? ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? हाँ सर। क्या इसका ये डायग्राम बन सकता है? बन सकता है, ठीक है? हाँ सर। तो ये क्या हो गया, अभी हमारा क्या है, फर्स्ट केस में तो हमारा ये क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, सेकंड केस में हमारा क्या हो रहा है, ये सर ये नो कॉटेजेस अपार्टमेंट कैसे ट्रू होगा? वही मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट। अभी देखिए, नो कॉटेजेस इज अपार्टमेंट, नो कॉटेजेस इज अपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ फर्स्ट केस की। अच्छा। मैंने ये नहीं बोला कैसे ट्रू होगा या नहीं होगा, अभी तो ये हमने डिस्कस नहीं किया है। आई एम जस्ट सेइंग कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, फर्स्ट डायग्राम, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डायग्राम नो कॉटेजेस इज एन अपार्टमेंट हमारा रॉन्ग है। इसके नहीं, सेकंड के अकॉर्डिंग टू सेकंड, जो हमारा सेकंड डायग्राम है, अकॉर्डिंग टू सेकंड डायग्राम हमारा नो कॉटेजेस इज एन अपार्टमेंट, ये हमारा ट्रू है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है ना। हाँ। तो हमारा एक डायग्राम राइट कह रहा है और दूसरा डायग्राम हमारा रॉन्ग कह रहा है, तो हम क्या मानेंगे सर? ये सर्टेनिटी का केस है। तो सर्टेनिटी के केस में अगर एक डायग्राम हमारा राइट कहता है, एक डायग्राम हमारा रॉन्ग कहता है, तो हम क्या मानते हैं, रॉन्ग, राइट? हेलो, रॉन्ग मानेंगे। हाँ, तो रॉन्ग, ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये हमारा फॉलो नहीं करेगा। ओके, सेकंड वन हमारा जो कंक्लूजन है वो सर मुझे ये नहीं समझ आया, अगर सर्टेनिटी का केस है तो कौन से डायग्राम को फॉलो करना है? देखो, सर्टेनिटी का केस में हम लोग क्या करेंगे, माइंड में तो सभी डायग्राम्स को रखेंगे। सर्टेनिटी के केस में आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, सर्टेनिटी के केस में आपको ये देखना है कि वो जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कंक्लूजन में पूछा गया है, अगर वो सभी डायग्राम्स में फॉलो करता है तो ही फॉलो होगा, वरना वो फॉलो नहीं होगा। लाइक एज मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाए और दोनों डायग्राम में मैंने चेक करके देखा, तो मेरा एक डायग्राम बोल रहा था हाँ, एक बोल रहा था ना, तो जब मेरे को पहले ही पता लग गया कि ये ना बोल रहा है तो ये तो वही गलत हो जाएगा। ओके सर। ओके सर। बट पॉसिबिलिटी के केस में क्या होता है, अगर हमारे जितने भी पॉसिबल डायग्राम्स बनते हैं उनमें से किसी एक केस में भी वो ट्रू होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू। यस सर। सेकंड वाला जो हमारा केस है, सम कॉटेजेस आर अपार्टमेंट, ये हमारा राइट होगा कि रॉन्ग होगा? ये रॉन्ग होगा। ये भी रॉन्ग होगा बिल्कुल, क्योंकि हमारा फर्स्ट केस ही इसको रॉन्ग कह रहा है, जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है यही उसको रॉन्ग बता रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, बाकी आगे क्या चेंज होती नहीं है। नो अपार्टमेंट इज कॉटेज, नो अपार्टमेंट इज कॉटेज, ये भी रॉन्ग है क्योंकि हमारा जो सेकंड डायग्राम है वो इसको रॉन्ग बता रहा है, राइट? गुड। और थर्ड वन जो लास्ट वन है, सम बिल्डिंग बीइंग अपार्टमेंट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बिल्डिंग हमारी अपार्टमेंट हो सकती है क्या? नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैं बिल्डिंग को अपार्टमेंट के साथ टच करूंगा तो मेरा बिल्डिंग हट के साथ टच हो जाएगा। Yes, sir. और हार्ट के साथ टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्टेटमेंट है वो 100% ट्रू होती है, और वो स्टेटमेंट ये बोल रही है, नो हार्ट इज अ बिल्डिंग। यस सर। तो इस वजह से ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यस सर। अब जितना हम बात करते हैं, इसमें सारे रॉन्ग आ रहे हैं,
इसमें एक केस बन रहा है आइदर और का। आइदर और की पहले तो केस के लिए आप कुछ चीजें मैं आपको नोट करा रहा हूँ, तो वो नोट कर लीजिए। ओके तो मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। और जो मैं आपको आप नोट कराना चाह रहा हूँ वो मैं नोट कराना कहता हूँ। आइदर और का केस कब होगा निकिता? When you think about it's either case or either or का केस है या neither or का? पहली चीज, सॉरी पहला पॉइंट आपके ना बहुत कंफ्यूजन, क्योंकि आइदर और नाइदर नोर का केस कहाँ शुरू होता है? कम से कम दो कंफ्यूजन होंगे तभी शुरू होगा नाइदर नोर का केस, आइदर और का। ओके तो आइदर और के केस में जो भी आपके कंक्लूजन है वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? फॉल्स होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज बोथ बोथ कंक्लूजन आर फॉल्स। ओके राइट। सेकेंड आपकी जो कंडीशन होती है आइदर और की वो रहती है कि जो आपके वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स जो है आपके वो सेम होने चाहिए। सेम वेरिएबल का मीन्स जैसे यहाँ पे ये देखिए कोटेजेस है, नीचे भी कोटेजेस है, अपार्टमेंट है और नीचे भी अपार्टमेंट है। ओके तो ये वेरिएबल्स आपके क्या होने चाहिए? एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। ठीक है। ओके थर्ड वन आपका सम के साथ, एक सेंटेंस आपका सम हो जो दो कंक्लूजन आपके रॉन्ग हो रहे ना, उन कंक्लूजन में से एक अगर सम है और दूसरा सम नोट का हो। ओके ओके सर सम नोट का, या तो तब, या फिर एक कंक्लूजन आपका सम का है और दूसरा कंक्लूजन आपका नो का। ओके ओके या फिर ऑल के साथ का केस, एक कंक्लूजन आपका ऑल का है और दूसरा कंक्लूजन आपका नो से शुरू हो रहा है। ओके ओके तो ये आपके तीनों कंडीशन लागू होनी चाहिए। तीनों कंडीशन यानी जो कंडीशन फर्स्ट है वो, जो सेकंड कंडीशन है वो, उसके बाद थर्ड कंडीशन में हमारे पास जो ये तीन कंडीशन है इनमें से कोई भी एक। ओके सर। ओके तो अब मैंने यहाँ पे चेक किया जो मेरे फर्स्ट दोनों थे वो दोनों के दोनों रॉन्ग हो रहे हैं। यस सर। मेरी कंडीशन फर्स्ट लागू हो रही है। हाँ। वेरिएबल सेम, मेरी सेकंड कंडीशन लागू हो रही है। यस सर। ठीक है। और सम के साथ हमारा ये नो के साथ हमारा कौन सा केस आ गया? सम का। सम का। तो हमारा जो सेकंड थर्ड केस है, थर्ड केस में से सेकंड वन वाला हमारा लागू हो रहा है। यस सर। सो आइदर वन और टू। गॉट इट? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें। हेलो हेलो। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। यहाँ तक समझ में आया आपको? हाँ सर आ गया। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं